अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सूजी के उत्पम, इसे हम सूजी के चीले भी कहते हैं। रेसिपी पूरी सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप सूजी ली है और इसमें हम दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी और दही को हमें अच्छे से एक सार करना है। दही को हमें इतना लेना है कि हमारा गोल ना ज़्यादा टाइट बने और ना ज़्यादा गीला। इस तैयार गोल को हम अब 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सूजी के साथ मिक्स करने के लिए हमने एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, दो प्याज, दो हरी मिर्च और गाजर ली है। सारी सब्जियों को हम चॉपर में काट लेंगे और चॉपर की सहायता से इसको बारीक पीस लेंगे। अब हम सब्जियों के पेस्ट को सूजी के साथ मिलाकर उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उसको अच्छे से एक साथ मिक्स कर देंगे। घोल हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर उसको ब्रश से थोड़ा फैला देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तवा गर्म हो जाने के बाद हम एक चम्मच तवे पर पेस्ट डाल देंगे और हमें हल्के हाथों से चम्मच की सहायता से इसको सेव दे देना है। अब हम इसे एक तरफ से पकने देंगे। एक तरफ से पकने पर इसका ऊपर से कलर लाइट ब्राउन दिखने लगेगा, तब हम इसे दूसरी तरफ से सेकने के लिए पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से दूसरी तरफ से भी पक जाए। दोनों तरफ से अच्छे सिकने के बाद हमने इसको एक प्लेट में ले लिया है। इसी तरह से हम बाकी उत्पम भी बना लेंगे। आप उत्पम की साइज अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं और आप तवे पर दो उत्पम भी एक साथ बना सकते हैं। आप चाहें तो सब्जियां गोल के अंदर मिक्स करके भी बना सकते हैं जैसे हमने बनाए हैं, या फिर उत्पम फ्राई करते समय सब्जियां ऊपर रखकर भी फ्राई कर सकते हैं। हम उत्पम को नारियल चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि रेसिपी कैसी बनी। आप ऐसे ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।